भारत की आबादी अभी दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है, 140 करोड़ से ज्यादा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं या तो निम्न मध्य वर्ग से हैं। अगर हम CMI का डेटा लें तो देश में लगभग 90% परिवारों का कुल घरेलू इनकम यानी आय महीने में 42,000 रुपए से कम है, 90% से ज्यादा परिवारों का। और ऊपर के सिर्फ 8-9% परिवार ऐसे हैं जिनका मासिक आय 42,000 से 83,000 के बीच में, और उनके भी ऊपर सिर्फ 1% जिनका 83,000 से ज्यादा मासिक आय है। सबसे ऊपर के 1% को मैं छोड़ देता हूं, नीचे के 90% को भी हटा देता हूं, बाकी रहा तो 8-9% परिवार यानी लगभग 3 करोड़ परिवार जिनकी कुल मासिक आय 40,000 से 83,000 के बीच में है। यही है हमारे देश की मध्यम वर्ग, लगभग 3 करोड़ परिवार यानी 12 करोड़ लोग। मध्य वर्ग के लोग ज्यादातर बड़े शहरों में बसते हैं और व्हाइट कॉलर नौकरी करते हैं। व्हाइट कॉलर मतलब ऑफिस में काम, ऐसा काम जिसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता और शर्ट का कॉलर गंदा नहीं होता, इसलिए व्हाइट यानी सफेद कॉलर नौकरी। ऐसे व्हाइट कॉलर नौकरी भी अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल का CEO हो गया, सीनियर मैनेजर, IAS ऑफिसर, टॉप बैंकर, ये भी व्हाइट कॉलर में आते हैं। लेकिन ये लोग टॉप के 1% के कमाने वाले लोगों में होते हैं। मध्य वर्ग के लोगों का व्हाइट कॉलर जॉब थोड़ा अलग होता है इनसे, जैसे कि सरकारी दफ्तर में जूनियर अफसर, स्कूल या कॉलेज में टीचर, बैंक के किसी ब्रांच में बाबू, प्राइवेट कंपनी में लोअर मैनेजमेंट लेवल के लोग, लोअर कोर्ट में लॉयर या किसी छोटे अखबार या TV चैनल में पत्रकार। पिछले कुछ सालों में इस मध्यम वर्ग का हाल लगातार खस्ता हुआ है। पहले कोविड का असर पड़ा था, 2019 के मई से अगस्त के बीच 1,88,00,000 व्हाइट कॉलर नौकरियां थी। कोविड के पहले साल के इन्हीं 4 महीनों की तुलना करें तो वो गिरकर 1,22,00,000 पर पहुंच गए, यानी 66,00,000 व्हाइट कॉलर नौकरी पेशाओं की नौकरी चली गई थी। 2021-22 में इकोनॉमिक रिकवरी हुआ और साथ साथ में व्हाइट कॉलर नौकरियां भी बढ़ी, लेकिन 2022-23 में आकर रिकवरी फिर से ठप हो गई। अब आप देखिएगी मई 2022 में ऐसे व्हाइट कॉलर नौकरियों में लगभग 3,00,000 वैकेंसी थे, सितंबर में वो गिरकर सिर्फ 2,10,000 पे उतर आए थे। उसके बाद वैकेंसी बढ़े लेकिन 2021 के लेवल तक कभी नहीं पहुंचे। आपको याद होगा कि 2021 में कोविड का खतरनाक सेकेंड वेव आया था, जुलाई 2021 से फिर से लॉकडाउन खुलने लगा और नौकरियां बढ़ने लगी। जुलाई 2021 से जून 2022 यानी 12 महीनों का मासिक औसत ले तो 3,00,000 व्हाइट कॉलर वैकेंसियां थी। वही जुलाई 2022 से लेटेस्ट मार्च 2023 के आंकड़े लें तो व्हाइट कॉलर वैकेंसी का मासिक औसत बैठता है सिर्फ 2,60,000 यानी 14% कम। इसका मतलब है मध्य वर्ग की नौकरियों की रिकवरी नहीं हो रही है। और इसका झलक हमें GDP के आंकड़ों में भी दिखता है। अगर हम सेक्टर वाइज GDP का डेटा लें तो सबसे ज्यादा मध्य वर्ग की नौकरियां 2 सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, और दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में एजुकेशन, हेल्थ, लीगल सर्विसेज, IT की नौकरियां, ये सब आते हैं। 2013-14 से 2019-20 तक कोविड से पूर्व, जो कि मोदी सरकार के पहले 6 साल थे, उनमें इन 2 सेक्टरों का कुल GDP औसतन 7.6% के रेट से बढ़ा था। कोविड के साल में ये 1.5% घट गया। फिर 2021-22 और 2022-23 के 2 सालों के बीच, जो कोविड के बाद के 2 साल है, इन 2 सेक्टरों का GDP ग्रोथ गिरकर 6.8% हो गया है। कोविड से पहले जिस रेट से ये 2 सेक्टर ग्रो कर रहे थे, उसी रेट से अगर ग्रो करते रहते तो इन दोनों सेक्टरों का कुल GDP 2030-21 में जाकर 100,00,000 करोड़ से ज्यादा हो जाता। लेकिन पिछले 2 सालों में इन 2 सेक्टरों की GDP ग्रोथ जिस तरह से धीमी हुई है, उसी रेट से अगर बढ़ता रहा तो वही 2030-31 में इनका कुल GDP 88,00,000 करोड़ यानी 15% कम होगा। ये आंकड़े हमें साफ बता रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मध्य वर्ग के लिए व्हाइट कॉलर नौकरियां होती है उनका रिकवरी बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये मध्य वर्गीय लोगों के लिए खतरे की घंटी है। आने वाले सालों में सब कुछ ऐसा चलता रहा, आर्थिक नीतियां ऐसे ही रही, तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, नौकरियां कम होंगी, आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा रुपया। आज का शो यही तक, अगले बार तक नमस्कार।